नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़। अभी भारत रेजेंसी में है और यहां पर ट्रेड फेडरेशन वेयर हाउस नेहरू मार्केट के आज इलेक्शन चल रहे हैं। 3 साल बाद ये इलेक्शन हो रहे हैं, हालांकि ये हर साल 2 साल के बाद हो जाते हैं, लेकिन पिछले साल कोविड के चलते ये इलेक्शन कंडक्ट नहीं हो पाए थे। इस बार ये इलेक्शन हुए हैं, हालांकि अभी तमाम SOPs के साथ ये इलेक्शन यहाँ पे कंडक्ट करवाए जा रहे हैं और कुल 12 कैंडिडेट्स हैं जो कि 6 अलग अलग पोस्टों के लिए यहाँ पर कंटेस्ट कर रहे हैं। शुरुआत करूँगा मैं प्रेसिडेंट के लिए, दीपक गुप्ता और सुनील गुप्ता आपस की टक्कर में हैं। वहीं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए धीरज महाजन और मुनीश महाजन वो आपस में कंटेस्ट कर रहे हैं। जूनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए अभिमन्यु गुप्ता, संदीप गुप्ता कंटेस्ट कर रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी के लिए नीरज गुप्ता, श्याम लाल लंगर जो हैं वो कंटेस्ट कर रहे हैं, और उसके साथ ही सेक्रेटरी के लिए राजेश गुप्ता, विशाल गुप्ता और ट्रेजरर के लिए अमित गुप्ता, नमन गुप्ता ये यहाँ पर कंटेस्ट कर रहे हैं। और आज सुबह 10:30 से वोटिंग शुरू हुई है और जो कि 1 बजे तक चलेगी, 1 बजे के बाद, और अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि लगभग 4 बजे के साथ ही नतीजे आ जाएंगे। ये तमाम लोग जो यहाँ पर कंपेनिंग भी कर रहे हैं और अपनी जो भी क्योंकि लगभग 566 टोटल वोटर्स हैं वेयर हाउस नेहरू मार्केट ट्रेड फेडरेशन के अंदर, जिसमें कुछ कनक मंडी की शॉप्स के लोग भी आते हैं, उनके भी वोट्स बने हुए हैं। तमाम अलग अलग लोग हैं और मैं कुछ लोगों से बात करना चाहूँगा जो यहाँ पर कंपेन भी कर रहे हैं और अपने अपने नुमाइंदों के लिए यहाँ पर वोट भी मांग रहे हैं, और लगातार जो इनके जो वोटर्स हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। पुलिस की तरफ से काफ़ी इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं ताकि SOPs का ख्याल रखा जाए। वहीं अगर हम बात करें अंदर के पूरे प्रीमिसेस की, तो यहाँ पर भी देखा जा रहा है कि कोविड की पूरी इस तरह से फॉलो किया जा रहा है। मेरे साथ दीपक गुप्ता जी हैं। दीपक जी, ट्रेड फेडरेशन के 3 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, क्या मेन इश्यूज हैं जिसको लेकर इस बार जो चर्चा में है और जिसको लेकर लोग जो हैं वोट फोकस में रख के वोट कर रहे हैं? ऐसा है, व्यापारियों की हमारा जो मेन मकसद होता है, एक ब्रिज की तरह काम करना होता है। व्यापारियों की समस्या सरकार तक पहुंचानी होती है, और 300 करोड़ रुपये का जो टैक्स कलेक्ट करके सरकार को जो सबसे बड़ी अनाज मंडी है पूरे जम्मू कश्मीर संभाग में काम करती है, और कोई भी किसी तरह की हरासमेंट हमारे व्यापारियों को नहीं होनी चाहिए। बड़े इश्यूज हैं हमारे व्यापारियों के, बेसिक एमिनिटीज़, बिजली की, सफाई की, और आप देखें पानी की, ये सुविधाएँ हमें मिलनी चाहिए। और ख़ास तौर पर और ट्रेड पॉलिसी बननी चाहिए, जिस तरह इंडस्ट्री पॉलिसी बनती है उसी तरह ट्रेड पॉलिसी बननी चाहिए। और व्यापारी जो है रोज़गार देता है, रोज़गार पैदा करता है, नए नए अवसर सरकार को पैदा करता है, उस तरह की सुविधाएं जो व्यापारियों को नहीं मिलती है। हमारा प्रयास रहेगा नए व्यापारियों का भविष्य कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे कैसे व्यापार जो है जगत हमारा बढ़ाया जाए, उसी के ऊपर काम होगा। और मेन हमारा मकसद FDI इन रिटेल, इसको कैसे कम किया जाए वैसे होगा। और खासकर हम सरकार से कहें 5 करोड़ की आबादी जहां कम हो वहां FDI इन रिटेल हमारे जम्मू कश्मीर में ना आए, ताकि हम RRD मिल्टेंसी हिल्ट से जुड़े हुए हैं और बार बार छोटे व्यापारियों को नुकसान ना होना चाहिए, ये जम्मू संभाग के व्यापारियों को संदेश देना चाहता हूँ। चीज़ और बड़ी कहें कि कंप्लेन भी आती है जो ट्रेडर्स की, कि वेयर अभी जो मौजूदा वेयर हाउस की हालत बहुत खस्ता है, चाहे हम कुछ बिल्डिंग एरियाज की बात करें वो जर्जर हालत में है, कई बार डर भी लगता है गिर ना जाए जिस तरह से भूकंप आते हैं। तो गवर्नमेंट से भी क्या कोई नया वेयर हाउस को शिफ्ट करने का, यहाँ फिर इसको रिकन्स्ट्रक्ट करने की चर्चा कोई आगे लाई जाएगी जल्दी इलेक्शन के बाद? इसके ऊपर हमारी RRD बात चल रही है, हमने यूनियन मिनिस्टर से मिले थे और उसके बाद के शर्मा जी से और JDA डिपार्टमेंट से, नियर बाय लैंड जो है लोकेट हो रही है। मुझे आशा है कि जो नई टीम आएगी वो पूरा प्रयास करेगी और जो गोडाउंस की जगह हमें दी जाएगी, जिससे हमारे व्यापारियों में ट्रैफिक का कंजेक्शन जो है कम होगा और व्यापारियों को सुविधा मिलेगी, ताकि बड़े बड़े बिग बाज़ार और वॉलमार्ट आ रहे हैं और हम भी गोडाउंस की जगह मिले और हम कंपटीशन कर सकें। तो ये दीपक गुप्ता हैं जो कि मौजूदा भी प्रेसिडेंट हैं, और अभी जब इलेक्शन हो रही है तो यहाँ पर और भी कई कंटेस्टेंट हैं, उनसे भी बात करेंगे अलग अलग। यहाँ पर एक और कंटेस्टेंट है यहाँ पर अभिमन्यु गुप्ता। अभिमन्यु जी कंटेस्ट कर रहे हैं, क्या चीज़ें फोकस में हैं इस बार? सर देखिए, इस चुनावी में हमने जो है अपनी ओवरऑल मार्केट की डेवलपमेंट फोकस में रखी है, सभी बाज़ार की हम डेवलपमेंट चाहते हैं। जो कुछ काम रुक गए हैं कोविड की वजह से, हमने वो पूरे करने हैं, और हमें उम्मीद है कि हमारे जो मेंबर है वो हमें वोट देके हमें विजयी बनाएंगे, जिससे हम आके सारे काम कर सकें। ये अपनी
बात रखी इन्होंने। हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे जो अलग अलग कंटेस्टेंट हैं यहाँ पर, क्योंकि लगभग 12 लोग हैं और ये 6 पोस्टों के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर और भी बहुत लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे जो कि कंपेनिंग भी कर रहे हैं यहाँ पर। कुछ युवाओं से बात करेंगे जो कि ट्रेड से जुड़े हुए हैं, अब वो अपना ट्रेड संभाल भी रहे हैं। और यहाँ पर पूरे SSP जम्मू पुलिस की निगरानी भी यहाँ पर है और कोविड SOPs का पालन हो इस पर भी खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। अगर हम आपको अंदर की बात करें, हम आपको इसके एंट्री पॉइंट की दिखाते हैं। सबसे पहले जो भी वोटर्स आ रहे हैं उनको एक रिसिप्ट दी जा रही है, वो रिसिप्ट यहाँ पर दिखा रहे हैं। स्टार्टिंग जो एंट्री पॉइंट है यहाँ पर लोग खड़े हैं जो कि चेक कर रहे हैं कि जो शख्स है वो वैलिड वोटर है, उसका फ़ोटो ID देखा जा रहा है और उसके बाद उन्हें अंदर जाने के लिए इजाज़त दी जा रही है। और उसके बाद अंदर जाके पूरे SOPs के जो हैं वो पालन हो रहा है यहाँ पर, इस तरह से सिक्योरिटी चेक किया जा रहा है। और जो हैं उनको सैनिटाइज़र हैंड सैनिटाइज करवा कर उनकी जो स्लिप्स हैं रिसिप्ट हैं वो चेक करके, उनके डॉक्यूमेंट चेक करके फिर अंदर जाने की उनको अनुमति दी जा रही है। कई लोग कगार में हैं क्योंकि लगभग 1 बजे तक जो है वोट होना है और लगभग एक घंटा बाकी है। और बाकी जो तमाम लोग यहाँ पर हैं जो वोट करके आए हैं वो भी यहाँ पर रुके हुए हैं, और बाकी लोग जिन्होंने वोट करना है उनको भी अलग अलग लोग जो हैं वो उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप आके वोट कीजिए। कुछ लोगों से मैं बात करूँगा। क्या नाम है सर आपका? रोहित गुप्ता। रोहित जी मुझे बताइए, आप भी वेयर हाउस, मुझे क्या कुछ इशूज़ अभी आप देख रहे हैं वेयर हाउस में हैं जो कि नई जो भी टीम आगे आएगी वो उसको रिजॉल्व करे, क्या मेन इश्यूज अभी, मतलब दिक्कत परेशानी क्या दिख रही है? काफ़ी हम वेयर हाउस की हालत बड़ी ख़राब है। वेयर हाउस के जो ट्रेडर्स हैं इनको जो है जो बसें लगी रहती हैं वेयर हाउस के आसपास, और जो सारा सफाई का इशू है, चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, बहुत ज़्यादा इशू है। ये नई टीम निकल के सामने आई है जिसमें सेक्रेटरी की पोस्ट पर राजेश गुप्ता जंडयाल जी खड़े हैं। इन्होंने कसम खाई है कि जीतने के बाद एक तो ये वेयर हाउस की सारी जो चीज़ें हैं उनका ठीक करेंगे अपनी टीम के साथ लोगों के उससे, और जो एकदम मतलब कि जो ज़रूरी जो बाहर से व्यापारी आते हैं, श्रीनगर से आते हैं, पुंछ से, डोडा से, किश्तवाड़ से वेयर हाउस के अंदर आ रहे हैं, वहाँ उनको पेशाब करने की जगह नहीं है, वहाँ पानी पीने के लिए नहीं है। तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये मतलब एक लानत की बात है कि जम्मू का वेयर हाउस इस तरीके का है, यही जम्मू के साथ भेदभाव होता रहा है। ही कुछ नहीं, कंजेशन क्या बात कर रहे हैं, वहाँ पे बाथरूम नहीं है, वहाँ पे पानी पीने का नहीं है, वहाँ पे बसें नहीं है, कुछ नहीं है, ये वेयर हाउस नहीं है, ऐसा लगता है कि झुग्गी झोपड़ी है कोई। तो JDA वालों को देखना चाहिए, जो अभी आए हैं DC साहब हमारे रोहित खजूरिया जी जो सांबे से ट्रांसफ़र हो गए, इनको देखना चाहिए जो नया वेयर हाउस देना है। तो ये राजेश गुप्ता जंडयाल जो सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए खड़े हैं, इन्होंने मतलब अपने ऊपर बीड़ा उठाया है कि ये भारी मतों से जीतने के बाद ये सारी चीज़ जो है देखेंगे और इसको ठीक करेंगे। सर ये तमाम इनकी बातें हैं जो कि ये कह रहे हैं कि जीतने के बाद इन चीज़ों पे फोकस किया जाएगा। प्रेसिडेंट के लिए जो दूसरे कैंडिडेट हैं सुनील गुप्ता, हम उनसे भी बात करते हैं क्योंकि लगातार वो कंपेन करने में लगे हुए हैं। ये शाम लंगर हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, इनसे भी हम बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे ये दिक्कत है। श्याम लंगर जी, थोड़ी सी SOP का पालन होता हुआ नहीं दिख रहा है आप? थोड़ा सा ऐसा है कि जहाँ पे इलेक्शन सिस्टम होता है, जहाँ हमारा जैसे बंगाल में भी है, वहाँ पे भी SOP का कोई सिस्टम आया नहीं, लेकिन ये फ्रेंडली एक इलेक्शन जो है, फ्रेंडली है, परिवार का इलेक्शन है, कोई ऐसा इलेक्शन नहीं है जो आपस में मिल रहे हैं, जो कोई वोटर आ रहा है उसको लोग आगे होके मिल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपको राशि लग रहा है, वरना ऐसी बात नहीं है, सभी SOP का पालन कर रहे हैं अपनी अपनी जगह। ये साथ साथ में लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं कि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करिए और SOP का जो है वो पालन करें। लेकिन फिर भी क्योंकि एंट्री पॉइंट पे बहुत ज़्यादा आपको लोग दिख रहे होंगे, आपको लगातार ये अपील कर रहे हैं। और मेरे साथ सुनील गुप्ता है। सुनील गुप्ता जी, आप भी प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अभी वेयर हाउस में दिखती है कि अगर कोई हादसा हो जाता है लाइक आग से जुड़ा हुआ, तो वहाँ पर इतना कंजेशन है कि शायद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी अंदर एंटर करने में दिक्कत हो जाए और कंजेशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसको लेकर क्या कुछ प्लानिंग है अगर आप आगे जीत के आते हैं? सर, आने वाले दिनों में जब हम जीत के आते हैं सभी को साथ लेके किसी जगह पे बैठ के मंच पे हालवटी ट्रैफिक की जो संस्था है, ट्रैफिक SSP IG के पास कंसल्ट करके उनके साथ 2-4 ट्रैफिक वाले कंसल्ट करेंगे तो उनको रास्ता दिखाने के लिए रखेंगे। आज इलेक्शन हो रहा है और कोविड 100% का, लेकिन आपने भी मास्क नहीं पहना तो थोड़ा सा इसका भी थोड़ा ख्याल रखें। और दूसरी और इस चीज़ की क्षमा मांगता हूँ, मैं इसको मास्क लगाता हूँ।
की कंटेस्ट प्रेजिडेंट के लिए कर रहे हैं और पुलिस भी, और लगातार आप सुन रहे होंगे अनाउंसमेंट भी हो रही है माइक के थ्रू, और ये सबसे अपील की जा रही है कि आप थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स को फॉलो कीजिए और जो इलेक्शन प्रोसेस है उसमें अपना पार्टिसिपेट कीजिए आप, क्योंकि जो वेयर हाउस ट्रेड फेडरेशन है लगभग 566 इसके टोटल वोटर हैं, और अगर हम जम्मू वेयर हाउस की बात करें यहाँ से जो सामान है वो जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट तक जाता है, अगर हम बात करें कश्मीर भी जाता है, अगर हम बात करें पुंछ राजौरी डोडा किश्तवाड़ तमाम जगहों पर बनी बसोली हर जगह ये जाता है यहाँ से, और ये वेयर हाउस बहुत बड़ा ये इस समय जम्मू का एक ट्रेड हब है जहाँ से सामान जाता है। लेकिन अभी की मौजूदा वेयर हाउस ट्रेड की जो वेयर हाउस की हालत ये है, बिल्डिंग जो है वो जर्जर हालत में है, खस्ता हालत में है, कोई भी बड़ा हादसा वहाँ हो सकता है, पुराने शेड्स कई साल पुराने बने, कई दशक पहले बने हुए जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके नीचे ही जो वेयर हाउस में जो काम करने वाले जो ट्रेडर्स हैं वो काम कर रहे हैं लाइफ रिस्क करते हुए। दूसरी बात ये है कि फायर नॉर्म्स के रिलेटेड वहाँ पर कुछ भी सुविधा नहीं है, अगर कोई हादसा होता है तो जल्दी उस पर बचाव के लिए कोई साधन नहीं है, ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि बसेस भी वहीं पर खड़ी होती है और उनकी मूवमेंट भी वहीं से रहती है, तो जो ट्रेड जो माल लेने के लिए ट्रक्स आते हैं उनकी आपस में वहाँ पर बसेस के साथ बहुत ज़्यादा जैम रहता है और उसमें उसकी वजह से आम लोगों को बहुत परेशानी होती है और जो ट्रेडर्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ये तमाम मुद्दे हैं, और उसके अलावा जो FDI के रिलेटेड उन्होंने बात की कि 5 करोड़ से कम की जो आबादी वाली जगह है वहाँ पर FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू कोई भी बाहर के जो लोग हैं वो ना आए ताकि लोकल जो ट्रेडर्स को बिजनेस करने का जो है मौका मिलता रहे। और GST कलेक्शन की जहाँ उन्होंने बात की, उन्होंने ये भी कहा कि GST 300 करोड़ से ज़्यादा की GST जो है वो वेयर हाउस ट्रेड से जाता है सरकार को, तो सरकार को पूरा ध्यान देना होगा कि एक बहुत बड़ी एक रेवेन्यू जनरेट देने वाली एक संस्था है, ट्रेडर्स हैं और माल भी सप्लाई करते हैं सुचारू रूप से, चाहे कोविड की पिछले साल की बात करें असेंशियल सर्विस में आपको पता होगा कि वेयर हाउस से सप्लाई लगातार चलती रही है, वो खासतौर पे तमाम ट्रेडर्स हैं मार्केट्स हैं उन सब ने ये ध्यान रखा है कि लोगों को खाने पीने की चीज़ों की जो है कमी ना हो, तो उसको लेकर कोविड के समय में भी इन्होंने एज ए वॉरियर कोरोना वॉरियर की तरह काम किया है। लेकिन अभी जिस तरह सेकंड स्ट्रेन भी है, हालांकि अभी उस तरह की लॉकडाउन की सिचुएशन जम्मू कश्मीर में नहीं है, लेकिन फिर भी आज ये इलेक्शन हो रहे हैं, बाई एनुअल इलेक्शन हो रहे हैं जिसके लिए 6 पोस्टों के लिए 12 जो उम्मीदवार हैं वो कंटेस्ट कर रहे हैं। मैं फाइनली एक बार आपको फिर बता देता हूँ, प्रेसिडेंट के लिए दीपक गुप्ता और सुनील गुप्ता आपस में कंटेस्ट कर रहे हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए धीरज गुप्ता और मुनीश महाजन आपस में कंटेस्ट कर रहे हैं, जूनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए अभिमन्यु गुप्ता और संदीप गुप्ता आपस में कंटेस्ट कर रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी के लिए नीरज गुप्ता और श्यामलाल लंगर आपस में कंटेस्ट कर रहे हैं, सेक्रेटरी के लिए राजेश गुप्ता और विशाल गुप्ता आपस में कंटेस्ट कर रहे हैं, और ट्रेजरर के लिए अमित गुप्ता और नमन गुप्ता ये जो हैं वो कंटेस्ट कर रहे हैं, और समय सिर्फ 1 बजे तक का है। और अपील हम ये भी करेंगे इस ट्रेड फेडरेशन से जुड़े हुए जो जो वोटर्स हैं, अगर जो अभी तक वोट करने नहीं आए हैं तो वो भारत रजेंसी में वोट करने के लिए आए ग्रेटर कैलाश में, क्योंकि अगर एक बॉडी तैयार होगी, चाहे अगर मौजूदा की बात करें वही दोबारा चुन के आती है फिर नए चेहरे आते हैं, सबका फोकस यही रहेगा कि वेयर हाउस को जो है वो बिल्कुल मॉडर्नाइज किया जाए, बिल्कुल नए तरीके से उसे जो है वो उसका रखरखाव किया जाए, और जो बिजनेस फ्रेंडली से जुड़े हुए लोग हैं ये खुलकर काम कर सके, ऐसा जो है माहौल और ऐसी जो है एक पूरी सिस्टम उनको तैयार करके दी जाए। फिलहाल आगे हम इसको अपडेट भी आपको देते रहेंगे जैसे ही काउंटिंग ख़त्म होती है, कितने परसेंट वोटिंग हुई है और नतीजे जो कि बहुत अहम हुए हैं लगभग 4 बजे के तकरीबन आ जाएंगे, वो भी हम आपको स्टेट टाइम के माध्यम से बताएंगे कौन जीत कराया है और टीम किस तरह की तैयार हुई है इस बार ट्रेड फेडरेशन वेयर हाउस नेहरू मार्केट की। विजय शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाल।